नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद आज एक विवादित बयान दिया है। रियासी में जब वो गए थे, वहां पर न्यूज पोस्ट रियासी के एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल, राहुल कपूर ने उनसे सवाल पूछा। उनने कहा कश्मीरी पंडित समुदाय की जो हत्याएं हो रही उस पर आपका क्या कहना है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं रुकेंगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। इसका मतलब उनका ये कहना था कि कश्मीरी पंडित समुदाय और अल्पसंख्यकों को और प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे। अब इंसाफ की परिभाषा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क्या है, ये तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन आम जनमानस इस बयान को सुनने के बाद असमंजस में पड़ गया है कि जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी थी और भारत सरकार ने जो घाटी के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, वहीं पर कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति की शहादत के बाद इस तरह का विवादास्पद जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान पर आम जनमानस परेशान है। आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। खानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। और सर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल दो दिन पहले जो आए कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं 370 कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी गुमत मृत्यु हो रही है, इसे जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, अगर वो बेहतर कर दिए तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता, कहाँ है हालात सब बेहतर, मुझे तो नहीं दिखता। तो आपने सुन लिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये कभी भी नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1996 से लेकर 2002 के कालखंड में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 के कालखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस इंसाफ की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने खंगालिए तो आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन याद आता है। आपको याद आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म लगे हैं उन जख्मों को भरने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन को कायम किया जाना चाहिए। 2002 से 2008 तक जब पीडीपी कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, उमर अब्दुल्ला लगातार ये बयान देते रहे, लेकिन 2009 से लेकर 2014 के कालखंड में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन को लेकर ना तो कभी उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार से कोई बात की, ना ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार में रहते हुए जो ताकतें उनके पास थी उन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रॉ किया जा रहा है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टनर थी। सबको उम्मीद और तवक्का ये थी कि शायद अब वो बदलाव आएगा और शायद आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो विड्रॉ होगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद सबकी आशाएं और उम्मीदें ये थी कि शायद उमर अब्दुल्ला अब इस सरकार से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कहा था वो किया नहीं, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। और थोड़ा इतिहास में पीछे चले जाइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब टाडा का कानून केंद्र में लागू किया गया, उस टाडा के कानून को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने कार्यकाल में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में ही जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, लालकृष्ण आडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखते हैं कि मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा कि आप सरकार सत्ता से बाहर चले जाइए, आप सरकार से बाहर चले जाइए, आप केंद्र में एनडीए का हिस्सा बने मत रहिए, क्योंकि इसका नुकसान आपको घाटी में हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूँ, मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, मैं एनडीए छोड़कर नहीं जाऊंगा। थोड़ा इतिहास में और पीछे चले जाइए तो इंसाफ की बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज कर रहे हैं, वो लोग ये सवाल पूछते हैं जिन लोगों ने ग्रेटर ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हुए देखा,
दिल्ली जब वो रेजोल्यूशन पहुंचा, उस रेजोल्यूशन को वहां पर केंद्र सरकार ने ठुकराया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का ये कहना है कि कमिटी बनी जिस कमिटी का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में जम्मू कश्मीर में बने रहे। इसका मतलब साफ तौर पर यह, उसके बाद 2009 से 2014 के कालखंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार यहां पर रही, पीडीपी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती 2009 से 2014 तक कस्टोडियल किलिंग्स की बात करती रही, इंसाफ की बात करती रही, और उसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता का जो देहांत हुआ था, जो हत्या जिसको हत्या भी कहा गया था, उस हत्या को लेकर उन्होंने जबरदस्त हु हल्ला हंगामा 2009 से लेकर 2014 तक के कालखंड में किया। लेकिन 2015 में सरकार बनी तो उन्हें भी यूसुफ भूल गया, उन्होंने भी उस हत्याकांड को लेकर कोई बात उसके बाद नहीं की। 2002 से लेकर 2008 तक के कालखंड में गुलाम नबी लोन जो पीडीपी की सरकार में मंत्री थे, जिनके सुपुत्र शुएब नबी लोन इस समय गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में है, उनके पिता की हत्या उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर श्रीनगर में होती है, एक कमिटी बनती है, वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट देती है। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम सत्ता में आए तो इंसाफ देंगे। 2009 से 2014 तक वो सत्ता में रहे, इंसाफ दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिला। तो ये है जम्मू कश्मीर का इतिहास, और इस इतिहास को अब आप अपने जहन में रखिए, अपने सामने रखिए, और इस इतिहास को अपने सामने रखकर जरा ये सोचिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जो बात कर रहे हैं कि ये कभी नहीं रुकेगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा ये नहीं रुकेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दफा 370 को लेकर ये कहा जा रहा था कि दफा 370 के कारण जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, अलगाववाद है। अब तो दफा 370 नहीं है तो आतंकवाद और अलगाववाद क्यों है? ये बात उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जरूर कही, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साथ में ये बात नहीं कही कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिकाएं हैं, उनकी याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, और वो भी जब पब्लिक में होते हैं तो दफा 370 को लेकर वो भी अब बोलते बहुत कम हैं। क्या कारण है उसका, वो भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बताया। लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की शहादत के बाद उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में तब तक ये हत्याओं का सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा।